तो नए संसद भवन की कार्यवाही करीब 1:15 पर शुरू होगी और इस वक्त आप मेनका गांधी को सुन रहे थे, जो कि कार्यकाल के आधार पर सबसे वरीयता में लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं और उन्हें अतिथि के तौर पर बुलाया गया है ताकि वो अपना संबोधन दे सके। इस कार्यक्रम से जुड़ी एक एक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त रायगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ढिमरापुर चौक के एक्सिस बैंक में लूट की वारदात सामने आई है। दिन दहाड़े 3 से 4 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सुबह बैंक खुलते ही लूट की घटना सामने आई। नकाबपोश लुटेरे हथियार के साथ लैश थे। सीसीटीवी इस वक्त पुलिस की ओर से खंगाली जा रही है। कितने रुपयों की लूट हुई इसका खुलासा हालांकि अभी तक नहीं किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े 3 से 4 लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश लुटेरे हथियार के साथ लैस थे और सीसीटीवी पुलिस की ओर से खंगाली जा रही है। 3 से 4 की संख्या में लुटेरे आए। ढिमरापुरा चौक के एक्सिस बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि कितने की लूट हुई है अभी तक पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दिन दहाड़े 3 से 4 लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सुबह बैंक खुलते ही लूट की ये घटना सामने आई। नकाबपोश लुटेरे हथियारों के साथ मौजूद थे वहां पर। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि कितने रुपयों की लूट हुई इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और छानबीन की जा रही है। तो यहां पर बैंक लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। 3 से 4 नकाबपोश लुटेरे मौजूद और वहां पर बैंक खुलते ही, चलिए एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 करोड़ की लूट हुई है। एक बड़ी लूट की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। सुबह बैंक खुलते ही लूट की एक घटना हुई। अपराधियों की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। बैंक और आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। 3 से 4 की संख्या में नकाबपोश लुटेरे आए और लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया। तो रायगढ़ में बैंक मैनेजर पर चाकू से हमला भी किया गया। देखिए बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है, जहां 7 करोड़ की लूट हुई वहीं बैंक मैनेजर पर चाकू से हमला भी किया गया। 3 से 4 की संख्या में लुटेरे और इस बड़ी वारदात को, 7 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियारों के साथ ये तमाम जो नकाबपोश बदमाश है वो लैस थे। सुबह बैंक खुलते ही इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों के सुराग की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 7 करोड़ की लूट हुई है। बैंक मैनेजर पर चाकू से यहां पर हमला भी किया गया। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हरपाल सिंह जुड़ गए हैं। हरपाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बैंक मैनेजर की, सबसे पहले तो बताइए स्थिति क्या है और पुलिस की टीम किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? जी, पूरा मामला जो है रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर आज सुबह करीबन 10 बजे के आसपास जब बैंक खुलने वाला था तभी जब कुछ लोग आए और नकाबपोश थे, उन्होंने पीछे से ही बैंक मैनेजर के ऊपर हथियार हरा दिया और उसके बाद जो अंदर से कैश था उसको लूटने का इन्होंने प्रयास किया। और कितने कैश लूट कर ले गए हैं इसके बारे में फिलहाल पूरी जांच कर रही है। अभी तक जो मामला आया उसमें करोड़ों रुपए की कैश लूटने की बात सामने आ रही है कि बैंक में का जो आज बैंक से निकलने वाला पैसा था उसको लेकर जो है रखा गया था, जिसको उन बदमाशों ने लूट लिया। फिलहाल पुलिस जो है मामले में जांच कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, साथ ही जो स्लीपर डॉग है उनको भी मिला गया है और जो बैंक के कर्मचारी हैं उनको भी अभी पुलिस पूछताछ के लिए बैंक में ही रखी हुई है कि कहीं किस तरह से घटना हुई, क्या कुछ पूरा मामला रहा है। फिलहाल इसमें आपको बताना चाहूंगा कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और आसपास के जो सर्विलांस कैमरे हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि आखिर लूट की घटना के बाद जो है आरोपी किस ओर भागे, कौन सी दिशा में गए। और पूरे जिले में लाठीबंदी कर दी गई है, सभी चेक पोस्ट में जो है पुलिस लगा दिए गए हैं और सभी की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल हरपाल, और ये बड़ा मामला है क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जैसे ही बैंक खोला जाता है वैसे ही लूट हो जाती है और करोड़ों रुपए की यहां पर लूट हुई है। तो ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठता है कि पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं है और इसलिए इस तरीके की वारदातें लगातार सामने आ रही है। जी,
इस तरह की घटना बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस की जो कार्यशैली है इस पर सवाल उठाता है कि आखिर पुलिस कहाँ थी। वो भी शहर के बीचों बीच एक पॉप इलाके में एक्सिस बैंक के करोड़ों रुपए की लूट जो है पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते ही हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि रायगढ़ में यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एटीएम के जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और लाखों रुपए लूट लिए गए थे। इसके बाद भी पुलिस जो है बैंकों में सुरक्षा बढ़ा नहीं पा रही है। जो बैंक कर्मचारी हैं जैसे प्राइवेट बैंक हैं इन पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए होने चाहिए थे, इनकी भी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है। तो रायगढ़ पुलिस कहीं न कहीं आमजनों की सुरक्षा में फैल नजर आ रही है और रायगढ़ पुलिस को सबक लेना चाहिए और ऐसे जो घटना हुए हैं इसके जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरपाल, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और सुरक्षा में जो गार्ड तैनात किए जाते हैं उन्हें भी हथियार देने चाहिए ताकि वो खुद की सुरक्षा कर पाए और इस तरीके की वारदात को रोक भी पाए। हरपाल, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या अभी तक किसी भी बदमाश की पहचान हो पाई है, क्योंकि 3 से 4 की संख्या में ये बताया जा रहे हैं। क्या जो कर्मचारी उस वक्त बैंक में मौजूद थे उनसे पूछताछ में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यही स्पष्ट हो रहा है कि आरोपी जो है वो गाड़ी से जब उतरे तब उन्होंने नकाब पहले से ही लगा रखा था, ऐसे में उनकी जो पहचान है वो नहीं हो सकी। लेकिन सब काफी जो हुलिये हैं उनके आधार पर सीसीटीवी फुटेज से जो क्या इससे पहले रेकी करने का किसी ने प्रयास किया था या इस तत्काशी का कोई व्यक्ति बैंक के अंदर आया था या किसी तरह की संदिग्ध स्थिति में कोई मिला था इसके संबंध में जांच की जा रही है। तो गार्ड है और जो कर्मचारी जिसके साथ ये घटना हुई वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं कह पा रहा है कि आखिर कौन है, क्या वो परिचित है या बैंक का कोई कर्मचारी है। क्योंकि ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो अंदर का व्यक्ति होता है जिसको सारी चीजों की जानकारी होती है कि बैंक में कितने लोग उपस्थित होते हैं, कितने बजे बैंक में भीड़ होती है, तो ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो करीबी व्यक्ति होगा या कहीं न कहीं जो अंदर का व्यक्ति होगा उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, इसके आधार पर ही इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल हरपाल, अब देखना होगा कि कब तक आरोपियों की पहचान हो पाती है और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर।